अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास टेंथ मैथ पेयरिंग स्कीम, जो हमारी पेपर स्कीम होती है, जो हमारे लिए पेपर अटैम्प्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल, मतलब हमें जो टैक्टिक करने वाली बताने वाली होती है, वो हम पेयरिंग स्कीम किस तरीके हमें पेपर अटैम्प्ट करना है, कहाँ से हमारे पेपर के क्वेश्चन के अंक ज़्यादा आने हैं, कहाँ से कम आने हैं, किस तरीके से हमारी मतलब कि उनके साथ लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से साथ मतलब पार से जोड़े बनते हैं, तो ये अब हम लोग यहाँ से पेयरिंग स्कीम से देखना होता है। हमारे पास टेंथ क्लास की पेयरिंग स्कीम सन 2024 में न्यू आई है, अभी उसको हम देखते हैं। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर में हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन मतलब हमारा एम सी क्यूज होता है, क्वेश्चन नंबर वन क्या होता है हमारा एम सी क्यूज होता है। एम सी क्यूज के लिए हमारे पास टेंथ क्लास में मैथ में 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर का देखना है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, समझ जो वो बता रहे हैं कि हमें 2 एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर नंबर 1 से। अगेन हमें चैप्टर नंबर 2 से भी हमें कहा गया है कि 2 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी हमें 2 एमसीक्यूज मिलेंगे, और चैप्टर नंबर 4 से हमें 1 एमसीक्यूज मिलेगा, और चैप्टर नंबर 5 से हमें 2 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 6 से हमें 1 दिया जाएगा, 7 से भी हमें 1 दिया जाएगा, 8 से भी हमें 1 दिया जाएगा, और 9 से भी हमें 1 दिया जाएगा, 10 से भी 1, 11, 12 में से कोई भी हमें एमसीक्यूज नहीं दिया जाएगा। हमने इनको एमसीक्यूज के लिहाज से तैयार नहीं करना हम लोगों ने, इसलिए 13 चैप्टर्स में से भी हमें 1 एमसीक्यूज मिलेगा। उसके बाद हमारा एमसीक्यूज के बाद हमारा पेपर होते हैं इंटरव्यू पेपर, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं, जहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है हमारा, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें से कितने आएंगे, सेकंड है तो उसमें से कितने आएंगे, थर्ड है तो उसमें से कितने आएंगे, कॉम्बिनेशन किन किन चैप्टर में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से हो रहे हैं अटेम्प्ट। हमारे पास 1 चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 में से भी 3 आएंगे, और 3 चैप्टर में से भी 3 आएंगे। हमारे 9 क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमें अटेम्प्ट करने के लिए कहा जाता है, वो 9 में से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उनमें से। अब अगेन हमें इसके लिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो हमारे पास 3 है। 3 में हम देखते हैं कि हमें कौन से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 से हमें 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 5 से हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 6 से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए। यहां से भी हम लोगों ने 9 क्वेश्चन में से 6 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि कौन चैप्टर किस लिहाज से हम अटेम्प्ट करें तो हमारा क्वेश्चन ओवरऑल कंप्लीट हो जाएंगे, जो अटेम्प्ट हो जाएंगे हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 7 चैप्टर में से भी हमें 4 बताया जा रहा है कि 4 आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 में से भी नहीं आएगा, 9 में से भी नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, 10 में से हमें 1 शॉर्ट दिया जाएगा, 11 में से भी हमें 1 शॉर्ट दिया जाएगा, और 12 में से भी हमें 1 शॉर्ट दिया जाएगा, और 13 में से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर बात करें इस क्वेश्चन की कि यहाँ से भी किस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करना है, एक तो कि 9 में से हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ से हम किसके अटेम्प्ट करें, हमें चैप्टर नंबर 10 में हमें डेफिनेशन है उनको तैयार करना होगा, इसी चैप्टर नंबर 11 है यहाँ भी डेफिनेशन उनको हमने तैयार करना होगा, 12 में भी हमें डेफिनेशन तैयार करनी होगी, 13 में हमें एक तो डेफिनेशन की है, इसके साथ हमारे पास ज्योमेट्री के लिए कुछ क्वेश्चन भी हैं उनको करना होगा, ये 2 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल कम्प्लीट होंगे। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 7 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन, 10 से कुछ सिंपल डेफिनेशन 3 से वो वाला कर ले तो उसके बाद 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें 11 है ये करना कर ले तो हमारे पास 6 क्वेश्चन आसानी कंप्लीट कर सकते हैं, हमें कोई इसमें मसला नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था, हम लोगों ने इसको 3 लिखा हुआ है, अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें हमें 3 चैप्टर से क्वेश्चन मुकम्मल कंप्लीट हो रहा है हमारे पास, एक चैप्टर नंबर 4 है, 5 और 6 है। अगर जब बात करें हम लोग चैप्टर नंबर 6 की, चैप्टर नंबर 6 में बहुत आसान है हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, हमारे पास यहाँ से मीडियन, मोड, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये हमें चीजें आती हों, बन तैयार हों, हमारे आसानी हम चैप्टर नंबर
सिक्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसके हम हमारे पास आ जाए फाइव चैप्टर में, यहाँ से बहुत आसान है। हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें यूनियन है, हमारे पास इंटरसेक्शन है, कंप्लीमेंट है, या एक दूसरे को डिटेक्ट मैनेज करने वाले क्वेश्चन है वो करें तो हमारे पास बात आसान हो सके। इस तरीके से फाइव चैप्टर की एक्सरसाइज जो है हमारे पास 5.4 और 5.5 जो है ये सारे इस तरीके से काम कर लें तो हमारे पास 5 के 4 क्वेश्चन बात आसान हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। अभी 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कम्प्लीट हो गए हैं, हमने कर लें कितने 6 कर लें। अभी 4 को देख लें, 4 के लिए जो क्वेश्चन तैयार कर लें वो हमें ऐसा है कि 4 के एक तो हमें डेफिनेशन आना चाहिए जो फर्स्ट पेज पर है हमें, उनके बाद डेफिनेशन एक हमारे पास लाजम डेफिनेशन है कि एक हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है आसानी। क्वेश्चन जो आता है हमारे या तो रिव्यू में से आ जाता है या फर्स्ट के साथ ज्यादातर आता है जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, यहाँ से देखें फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के अगर शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं तो आसानी आपकी आसान से गैस ये है कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके फर्स्ट 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तैयार हो हमारा क्वेश्चन आसानी से नंबर 1 से हम 3 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज एंड रिव्यू चैप्टर नंबर 1 का अच्छे तरीके से तैयार हो तो हम आसानी इसको कंप्लीट कर सकते। चैप्टर नंबर 2 में आ जाइए, हमें बताते हैं 2.1 एक्सरसाइज है, यहां से फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट लेना, वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। उसके बाद 2.2 में चले जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है वो मेगा वाले सवाल है कुछ वहां पर, वो ज्यादा हमारे लिए पावरफुल। उसके बाद नेक्स्ट चले जाए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास सम और प्रोडक्ट फर्स्ट क्वेश्चन वो हमारे लिए है। और 2.5 में चले जाए, वहां पर हम लोगों ने क्या इक्वेशंस बनानी होती है रूट्स में, तो वो हमारे पास कर लें हमारे यहाँ से क्वेश्चन चैप्टर 2 से भी हमारे पास आसानी शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगेन चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में हम देखें तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन देने वाली जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो 3.3 है। 3.3 में से हम लोग कंटिन्यू प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन ये हमारे पास क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। इसी तरीके से रिलेटेड भी रिव्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमें चीज तैयार हो तो आसानी हम पूरे का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं, कंप्लीट 100% हम मार्क्स ले सकते हैं, उसमें कोई कमी वाली बात ही नहीं होगी। बात आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कहाँ कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द फर्स्ट, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 में से होता है, ए पार्ट 1 में से आ जाता है, बी पार्ट 2 में से आ जाता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 होता है, इसमें भी यही है कि जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 3 से और बी पार्ट है 4 से। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से 5 में से और 6 में से, और 8 जो है 7 और 13 में से। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारे पास एक थ्योरम वाला होता है जो 8 नंबर हमें देता है, ये इसके लिए हमें सबसे ज्यादा 2 चैप्टर तैयार करने होते हैं 9 और 12। अगर हम सही माने एक चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो हमने एक थ्योरम कंप्लीट कर लेना होता है, अटेम्प्ट कर लेना होता है। हमें एक चैप्टर को अच्छे तरीके से क्या करेंगे तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ से देखें हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, या तो इसको तैयार कर लें तो हमारे पास हो जाएगी, या 12 को तैयार कर लें। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए, इन 5 में से हम लोगों ने 3 करने होते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे लिए लाजमन होता है इसको सॉल्व करना, इसके लिए हमें थ्योरम को लाजमन अटेम्प्ट करना पड़ता है, ये तो हमारे हो गए। बाकी रह गए 4 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारे पेपर को कंप्लीट करने के लिए हम कौन से पहले जो क्वेश्चन को उठाएं और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। यहाँ से देखिए आप लोग, सबसे जो इजी है ना वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से 4 क्वेश्चन हम डू करने। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें यूनिट नंबर 5 और 6 है, 5 में हमारे पास क्या है, 5 में हमारे पास 5.2 और 3 एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से तैयार हो तुम पास आने का। हमें वहां पे क्या है, डी मॉर्गन लॉ है हमारे पास, उसके बाद कंप्लीमेंट लेना, यूनियन लेना, इंटरसेक्शन लेना, इस तरह क्वेश्चन जो हम छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां से आप लोग आसानी ए पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अगर बात आ जाए हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की, यहाँ से चैप्टर नंबर 6 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल है हमारे पास वो वेरियस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है जो हम लोग तैयार कर लें तो हमारा ये क्वेश्चन भी आसानी हम लोग क्या कर सकते हैं सोल्व कर, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 8 पे,
क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो हमारे पास 7.4 ज्यादा हमारे पास हमें नए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो आता है हमारा। उसके बाद 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर में हम भाई ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके साथ जो 13 पर 2 एक्सरसाइज अगर वो हम अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो उसके साथ हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है और आसानी से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, इसमें से हम जहां से देखें आसानी उसको सॉल्व कर लेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमें अगर काबिल पेरेंट्स स्कीम में हम लोग तो बहुत बहुत आसानी के साथ हम पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, फुल बैक फुल मार्क्स ले सकते हैं। ये आसान सा आपका एक स्कीम थी और जो आसान सा आपको मैंने गैस बता दी हम किस तरीके के पेपर को सॉल्व करने और फुल मार्क्स ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि इस तरीके अपनाएं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा और हमें पूरे पूरे मार्क्स लेने का मौका मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।